जो हमने स्पेशल टास्क फोर्स को ये हमने केस दे दिया और स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है और मैं रोजाना उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ रही है लेकिन हम वो जानकारियां पब्लिक नहीं कर सकते। विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर व्यवस्था पर वो सवाल निशान लगा रहे हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की नहीं नहीं उनका तो काम है, वो तो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं नहीं अब ये तो बाहर से आ रही है, तुम प्रदेश से नहीं आ रही है, बाहर से आ रही है। सर उनके घर में घुसे पांच बदमाश, उनके उसका मैंने पूरी तरह से मैंने खुद उनसे बात की है और पूरी तरह से एसपी से बात की है मैंने, डीजीपी से बात की है मैंने और हम उनको पकड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। जितने मर्जी हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया है कि चंडीगढ़ में विधानसभा का भवन नहीं बनने दिया जाएगा, करनाल बनाए, कुरुक्षेत्र बनाए। अब ऐसा है, भगवंत मान तो कह रहा था कल कि हमें भी चंडीगढ़ में जगह दे दो विधानसभा और हाईकोर्ट बनाने के लिए, और उसका मंत्री कह रहा है कि हम तुम्हारी नहीं बनने देंगे। अरे पहले घर में तो फैसला कर लो, तुम्हारी घर में तो एक आवाज होनी चाहिए कि क्या तुम चाहते हो, घर में फैसला कर लो फिर हम जवाब दे देंगे। ये भी कह रहे कि भवन चंडीगढ़ जो फिर हम जवाब दे देंगे ना, पहले घर में फैसला कर ले, एक जवाब तो आए। कुलदीप साहब, कुलदीप बिश्नोई आज गृह मंत्री और नेताजी से मिले हैं, पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं क्या? मेरे को जानकारी नहीं है, देखो किसी से भी मिलते हैं अच्छी बात है, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं। साहब मेरा एक सवाल है, कावड़ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी? नहीं बिल्कुल, हमने इस बार हम सारे काफियों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस जिस थाना क्षेत्र से कोई जा रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं और पूरी हमने व्यवस्था की है सारे रास्ते की। बनाने के लिए कोई जगह ली गई पिंजोर के पास, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान ये है कि उसी विधानसभा का विस्तार किया जाए जो 40% हिस्सेदारी हरियाणा की है, उसके आधार अब ऐसा होता है कि हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहेगा क्यों नहीं बनाई, अगर हम बनाएंगे तो कहेगा क्यों बनाई, फिर कहेगा यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनके तोते उड़ चुके हैं, उनके पल्ले अब दाने नहीं हैं, उनकी अपनी पार्टी एक नया आपने राज्यसभा के चुनाव में देख लिया कि कितनी बुरी दुर्गति हुई है। रायपुर में हर तरह के व्यंजन उन्होंने वहां खिला दिए लेकिन फिर भी उनके विधायकों ने जो किया सबके सामने देखिए, मैंने कार्रवाई रिकमेंड कर दी, मैंने जो जिसका नाम FIR में आया है, जैसे किसी कर्मचारी का भ्रष्टाचार के केस में नाम आने पर उसको सस्पेंड किया जाता है, उसी आधार पर मैंने इसका भी रिकमेंड कर दिया। जिस प्रकार से हरियाणा में प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो पूरे प्रदेश में चालू किए गए, लेकिन धरातल पर जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, अधिकारी इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं देखिए, वो हम कर रहे हैं, काफी सारे बन गए हैं, औरों को भी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने तो हरियाणा में मैंने हेल्थ के लिए मैपिंग कराने के लिए हमने कदम बढ़ाया है कि हम मैपिंग करें कि कहाँ पर किस फैसिलिटी की जरूरत है। आज तक ये कहीं स्टडी नहीं हुई, सारे देश के किसी प्रांत में नहीं हुई, ये पहला प्रांत है जहाँ पर हमने ये कदम उठाया है कि हम आज क्या हो रहा है कि डिमांड बेस्ड कहीं पर लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कह के अपनी वो डिस्पेंसरी बनवा ली, पर मैं चाहता हूँ नीड बेस्ड कि जरूरत के मुताबिक हम जरूरत के मुताबिक कोई सर्वे करके एजेंसी हमें बताए कि कहाँ PHC चाहिए, कहाँ CHC चाहिए, कहाँ 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ 200 बेड का चाहिए, कहाँ एक्सरे मशीन चाहिए, कहाँ MRI चाहिए, कोई स्टडी तो हो। वो मैं पहली बार ही कराने जा रहा हूँ।